दोस्तों, वीवो कंपनी अपनी वाई सीरीज में टाइम टू टाइम स्मार्टफोन लॉन्च करती रहती है, चाहे वो सस्ते बजट रेंज में हो या मिड रेंज में हो। काफी सारे स्टाइलिश प्रीमियम डिजाइन वाले स्मार्टफोन लॉन्च करती है और ये स्मार्टफोन ज्यादातर ऑफलाइन स्टोर में ही आपको मिलते हैं। और दोस्तों, काफी सारे स्मार्टफोन तो बढ़िया होते हैं, काफी सारे घटिया होते हैं, कुल मिला के ओवर प्राइज्ड स्मार्टफोन होते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन स्टोर पर जब कोई कस्टमर परचेज करने जाता है तो जो सेलर होता है वो वाई सीरीज का स्मार्टफोन आपको दे देगा। प्राइस तो बॉक्स पर इतनी ज्यादा लिखी होती है कि आपको लगेगा कि ये तो मुझे काफी बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वीवो वाई सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो वाई 200 5G। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्टफोन आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस जान लेते हैं। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 8GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा आपको 21,999 रुपए का। अमेजन से आप इसे परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन स्टोर पर हो सकता है कोई सेलर आपको 400-500 रुपए कम प्राइस में दे दे और इस पर आपको टेम्पर्ड ग्लास लगा के भी दे दे। तो चलिए फटाफट से आप बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो व्हाइट कलर का ये बॉक्स है दोस्तों, और यहां पर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को मिल जाता है। दो कलर वेरिएंट में आता है और दोनों कलर वेरिएंट की फोटो आपको मोबाइल के बॉक्स में देखने को मिल जाती है। ऊपर वीवो वाई 200 5G लिखा हुआ है, बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स भी लिखे हुए हैं। तो इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का। लेकिन ये जो कवर होते हैं काफी जल्दी येलो हो जाते हैं दोस्तों, पीलिया हो जाता है इन कवर को। इसके बाद रखे हुए मिलते हैं आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड। इन्हें साइड करके अंदर देखें तो एक हैवी चार्जर अडेप्टर दिया गया है जो है 44 वॉट का। दोस्तों, कंपनी ने दावा किया है कि 28 मिनट में 50% चार्ज कर लेगा ये फोन को, लेकिन आधा घंटा करीब लग जाता है। यूएसबी केबल आपको इसमें टाइप ए टू टाइप सी दी गई है। लेंथ और क्वालिटी भी आपको डिसेंट सी ही मिलती है। लास्ट में सिम इजेक्टर पिन दिखती है मैं बॉक्स में। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों, इसे रैपर से आजाद करके फ्रंट लुक आ गया हमारे पास। पंच होल डिस्प्ले मिलती है, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, काफी अच्छे से इस फोन को आप हाथ में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा काफी स्लिम भी है दोस्तों, और इसमें आपको बैक पैनल में काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिया गया है, नीचे वीवो की ब्रांडिंग है। कैमरा फ्रेम काफी बढ़िया लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा उभरा हुआ है। और इसके अंदर आपको दो कैमरा फिट मिलते हैं दोस्तों, और प्लस यहां पर दो एलईडी लाइट भी दी गई है दोस्तों। एक तो जो एलईडी फ्लैश लाइट होती है जो नॉर्मली सभी स्मार्टफोन में आपको मिलती है, और दूसरी है एक रिंग लाइट जिसे ऑरा लाइट कहते हैं दोस्तों। ये वीवो V29 में भी दी गई थी, तो कोई नया नहीं है दोस्तों। यहां पर आपको ये लाइट काफी मदद करती है फोटो खींचने में। तो यहां जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। खास अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दे देते तो और बढ़िया रहता। इसके अलावा फ्रंट में जो पंच होल है इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा को फिट किया गया है। कॉर्नर से राउंडेड और साइड से बिल्कुल फ्लैट मिलता है इसका डिजाइन। राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट पर वॉल्यूम रॉकर, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। स्पीकर आपको इसमें सिंगल ही मिलता है, स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और बॉटम में आपको सिम ट्रे दी गई है, इस पर आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं। डुअल 5G सपोर्टेड है दोस्तों, लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन आपको इस फोन में नहीं मिलता है। तो जितनी फोन में मेमोरी मिल रही है उसी से हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। बगल में आपको चार्जिंग जैक दिया गया है और स्पीकर पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। मोबाइल की पावर को ऑन किया और इसकी ब्राइटनेस को 100% किया तो 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस इस फोन में आपको मिलती है। आउटडोर हो या इंडोर हो, इजिली आप फोन को यूज कर सकते हैं। मोबाइल के डिस्प्ले में कलर्स भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं दोस्तों, और यहां पर हम स्क्रॉल अप करें तो सारे के सारे एप्लीकेशन भी नजर आ जाती हैं। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी फोन में मौजूद मिलेंगी, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एज और बेजल्स चारों कोनों से आपको बहुत पतले पतले मिलेंगे, बस थोड़ा सा चिन्ह नीचे ज्यादा दी गई है। अब इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो टच ऑब्वियसली आपको काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आप टच स्पीड देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका टच, बहुत स्मूथ है दोस्तों। बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की, तो 6.67 इंच की आपको इसमें फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसमें एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 395 PPI की आपको इसमें मिलती है। और
91.99% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है। 162.35 मिलीमीटर की इसकी हाइट है, 74.35 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और थिकनेस है मात्र 7.69 मिलीमीटर की। दोस्तों बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन है और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें बैटरी को भी 200 mAh कम कर दिया है, 4800 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। बाकी स्मार्टफोन आपका स्प्लैश प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, IP54 की रेटिंग मिली हुई है। हल्का फुल्का पानी में गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका फोन सरवाइव कर लेगा। दो कलर वेरिएंट में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है, डेजर्ट गोल्ड कलर और अभी हमारे पास जो है वो है जंगल ग्रीन कलर। तो इसमें तो आप सभी की पसंद मैटर करती है कि आपको कौन सा कलर वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगता है। अब दोस्तों हम इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग का जो इंटरफेस है नॉर्मली सभी वीवो स्मार्टफोन जैसा ही मिलता है दोस्तों, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। नीचे अबाउट फोन सेक्शन फन टच OS 13 के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको दिया गया है 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का चिपसेट मिलता है। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, एड्रेनो 619 के ग्राफिक आपको इस स्मार्टफोन में मिलते हैं। रैम आपको मिलती है 8 GB की LPDDR4X, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो रैम को दुगना कर सकते हो। 8 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी आपको फोन में दिया गया है। एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। 128 GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है, एक्सपेंडेबल मेमोरी बढ़ाने का कोई चांस नहीं दोस्तों। इसके अलावा जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 का दिया गया है। बाकी दोस्तों इस फोन में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी नहीं मिलता। अब दोस्तों इसमें आप वीडियो देख सकते हैं, काफी अच्छी वीडियो क्लैरिटी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको मूवीज देखने का शौक है तो आपको काफी बढ़िया क्लैरिटी के साथ इसमें मूवी देखने को मिल जाती है। स्पीकर का साउंड आपने सुन लिया होगा, ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं मिलता है, ना ही आपको इसमें तगड़ा बेस मिलता है। ट्रेबल बहुत ज्यादा आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर डुअल स्पीकर होता तो अब काम का स्पीकर हम यहाँ पर बताते। बाकी दोस्तों कैमरा को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा क्लैरिटी है वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। एक्चुअली वीवो के जो फोन होते हैं उनका कैमरा बढ़िया रहता है दोस्तों, और यहाँ पर भी कोई शक नहीं कैमरा क्लैरिटी आपको बहुत ही लाजवाब मिल जाती है। मैं कहूंगा प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा यहाँ पर दिया गया है। जूमिंग आपको इसमें ओनली 10x तक की ही मिलती है और वीडियो मोड में चेक करने पर हमें सिर्फ 720p में 30fps और 1080p में 30fps का ही सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, और 60fps का सपोर्ट देना इसमें भूल गए दोस्तों। आजकल हर कोई 60fps में वीडियो ज्यादा शूट करता है। बाकी कैमरा टेस्ट के लिए हमारा दूसरा चैनल तो है ही, वहां पर हम कैमरा टेस्ट कर रहे हैं सभी स्मार्टफोन्स के, आप जाके वहां पर देख सकते हैं दोस्तों। प्रदीप नेगी नाम से चैनल हमारा जो है, वहां पर हर टाइप के स्मार्टफोन के कैमरा टेस्ट हम फुल रिव्यू करते हैं वहां पर। अगर आपको कैमरा टेस्ट देखना हो तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों फ्रंट कैमरा भी बढ़िया मिल जाता है और रियर कैमरा भी आपको बढ़िया मिल जाता है। 4K 2K का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, 60fps का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। LED फ्लैश लाइट काफी बढ़िया जलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी रिंग लाइट जो है वो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, काफी बढ़िया जल रही है और इसके कलर चेंज भी होते हैं, ऑरेंज से सीधा व्हाइट कलर भी हो जाता है दोस्तों। तो लाइटिंग कंडीशन जहां अच्छी ना हो वहां भी आप एक अच्छी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीवो वाई सीरीज का एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, 22,000 रुपए का दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से क्या आपको ये स्मार्टफोन सही लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने इस स्मार्टफोन को परचेज कर लिया है तो इसके बारे में कोई भी अच्छाइयां बुराइयां कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।